पानी पूरी पाने की रेसिपी चाहिए। अच्छा मैं बताऊं, पानी पूरी वाले से जानना है तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो पहले पानी देख लो। तो ये देख सकते हो आप लोग, धनिया पत्ती वगैरह सब कुछ कटी हुई है और कितना शानदार पानी दिख रहा है, ये देखिए। तो ऐसे ही पानी आप लोग बना सकोगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि भैया आप लोग पानी पूरी का पानी बनाते हो 20 लीटर बनाकर दिखाओ और क्वांटिटी वाइज, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि नमक कितना डालना है। यार नमक आप लोग चेक भी कर सकते हो ना कि कितना नमक डालना है। एनीवे चलिए मैं इस वीडियो में पूरी बात आपको बता दूंगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी तो कोई भी वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको ना इमली का पल्प निकाल लेना है। इमली आपको एक से डेढ़ घंटे के लिए पानी में डालनी है ताकि वो अच्छी तरीके से फूल जाए, और इस तरीके से आपका पूरा इमली का पल्प निकल जाएगा जो कि आप लोग देख सकते हो। और मैं ना इसको डेढ़ लीटर के आसपास अपने 20 लीटर पानी के लिए डालूंगा। आप लोग 2 लीटर भी डाल दोगे तो ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं होने वाला। देखो मैंने 1.5 लीटर के आसपास डाल दिया, मान के चलो 2 लीटर डाल दिया, 2 लीटर आप लोग लेके चल सकते हो। देखो और इमली का पल्प बचा हुआ है, उसका और पानी बनेगा। तो ये देख सकते हो ये इतना सारा पल्प हो चुका है। अब आगे का काम चालू करते हैं, नई वीडियो स्टार्ट करते हैं क्योंकि मुझे अपनी दुकान की तैयारी भी करनी है, मतलब मैं एक पानी पूरी वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नहीं किया है तो कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए मैंने सामान ले लिया है, ये रहा पुदीने की पत्ती और ये रहा अदरक। ये अदरक 50 ग्राम के आसपास है, धो के आपको इसको कूट लेना है वरना ये आपके मिक्सी जार में नहीं पीसेगा। और देखो 4-5 मतलब 10 कली के आसपास आपको लहसुन की लेनी है और 1 पाव मिर्ची के आसपास लेनी है और इसका डंठल आपको तोड़ लेना है। अब ये चारों सामान को अपन मिक्स करके पीस देंगे। तो ये मैं जार ले आया हूँ और इसमें ना सारा सामान अपन डाल देते हैं। और आपको ये पूरा पेस्ट टंकी में डालना होगा क्योंकि मैंने पहले ही क्वांटिटी बता दी कि कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटिटी मैं पहले बता चुका हूँ कि 1 पाव हरी मिर्ची के आसपास और कुछ पुदीने के पत्ते और 10 लहसुन की कलियाँ और 50 ग्राम अदरक, ये पूरा पेस्ट आपको डालना होगा मिक्सी के जार में और उसके बाद इसको पीस कर डालना होगा पानी पूरी के टंकी में। तो इसको फटाफट से अपन पीस लेते हैं। तो ये रहा इमली का पल्प और ये रहा अभी जो मैं पेस्ट पीस के लाया हूँ। तो इसको अपन इसको पूरा डाल देंगे। क्वांटिटी मैं पहले बता चुका हूँ, आपको इसमें से बचाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अपन इसमें डाल देंगे काला नमक का 100 ग्राम वाला पैकेट, ये देख सकते हो 100 ग्राम का है। तो इसको अपन को पूरा एक पैकेट डाल देना है और उसके बाद 1 कटोरी सफ़ेद नमक पूरा और उसके बाद 1/2 कटोरी सफ़ेद नमक और, तो इसको भी अपन पूरा डाल देंगे। अब देखिए इसमें काला नमक भी हो गया, सफ़ेद नमक भी हो गया, इमली का पल्प भी हो गया और अपनी मिर्ची का पेस्ट भी हो गया। मैं इसको आपको चला कर दिखाता हूँ तो ये कितना गाढ़ा है। इसमें अब ऐड करना होगा अपन को प्लेन वाटर। तो चलिए मैं ना अपनी टंकी में पानी भर लेता हूँ ताकि मैं पानी पूरी का पानी बना सकूँ, ठीक है। और बगल में मेरे पापा देखो लाल मिर्ची का तीखा पानी बना रहे हैं, बट मैं ना हरी मिर्ची की बनाता हूँ, मेरे पापा ज़्यादा तीखा पानी बनाते हैं। इसकी भी रेसिपी आपको एक आध वीडियो में और दे दूंगा। तो पानी बन चुका है, आपको बस एक सामान उसमें और डालना है, तो वो मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, वो मसाला आप लोग घर में बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, लेकिन आप लोग टेस्ट करते जाइएगा नमक कैसा है, मिर्ची कैसी है, वो सब आपको टेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे है भाई। तो चलिए मैं आपको वो मसाला डाल के दिखाता हूँ और उसके बाद टेस्ट करके ही बताऊँगा। तो देखिए ये रहा जीरा और धनिया का मसाला, इसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा तो आप लोग जाकर चेक कर लीजिएगा। तो इसको मैं लोग 1 चम्मच ये डाल देता हूँ ऐसे करके और 1 चम्मच और, अब इसको चला देता हूँ, ये हो गया दोस्तों। तो ये रही धनिया पत्ती, अब इसमें धनिया पत्ती फाइनली अपन डाल देते हैं। तो फाइनली अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं तैयार हो चुका हूँ और मेरी दुकान भी तैयार हो चुकी है, मैं जा रहा हूँ अपनी दुकान लेके। और पानी देखो पूरा तैयार हो चुका है, बाकी सब सामान रेडी है। तो दोस्तों आई होप आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी और कोई प्रोसेस सब कुछ मैंने सब कुछ बता दिया स्टेप बाय स्टेप। अब देखो अभी भी आप अगर नहीं बना पाते तो भाई आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, आप नहीं बना पाओगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही क्योंकि मुझे अपनी दुकान लेके भी जानी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी तक नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।